इस वक्त सभी जानते हो शोले गब्बर वीरू जय इस वक्त बनी होती और अपने मेवाड़ में बनी होती। डायलॉग क्या होते हैं मेवाड़ी शोले फिल्म के डायलॉग? गब्बर, आपने शोले फिल्म देखी होगी। शोले फिल्म यदि इस वक्त सभी जानते हो शोले गब्बर वीरू जय इस वक्त बनी होती और अपने मेवाड़ में बनी होती। डायलॉग क्या होते हैं मेवाड़ी शोले फिल्म के डायलॉग? गब्बर, कतरा आदमी है, कतरा आदमी है सरदार, मां वटे डाको नागवा क्या झंडे ना करवा नहीं। अरे आदमी दो और था तीन, तो खाली हाथ आई गया नहीं सरदार। माने मना यूं के मिले गांव वाला के था जाओ अड्डा पे मां पेटीएम कर दे। गब्बर, और यो सांबा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। सांबा, सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करें कि नहीं करें? बहुत बढ़िया। कितना इनाम रखे है सरकार हमारे ऊपर सरदार? 36,000 है क्या? झूठला झूठला, मारा ऊपर पूरा 50,000 इनाम। कोई नहीं सरदार, 28% GST कटेगा तो 36 ही मिलेगा। ये हाथ मैंने दे दे ठाकर, ये हाथ मैंने दे दे ठाकर, ठाकर तेरे गबरिया हाथ मत ले तू, मरा पग ले ले पग, मरा हाथ मत ले, क्योंकि हाथों मैंने हर महीने अंगूठा लगे पेंशन लेनी पड़े, BPL जेवन लेना पड़े। और गब्बर यदि इस वक्त होता वो डाकू नहीं होता, वो नेता होता। क्या बात है भाई, वाह। एक छोटी, मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, वो बात भी करती तो मेरे इस ट्रेल से बहुत खून का रिश्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जानते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, बात भी करती जैसे करंट मारती हो। मैं उसे ले गया ससुराल, मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम इस कंपनी से डिफॉल्ट है। क्या बात है। एक बार तो मैंने अपनी पत्नी से गुर्रा कर पूछा कि बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है, तो मेरी पत्नी ने कहा पहले ये बताओ आप हो इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं होते तो कोई और होता, जहां आज आप रो रहे हो वहां कोई और रोता, और यहां बैठी हुई माता और बहनों के लिए मैंने एक पंक्ति अच्छी लिख दी हो तो सभी एक साल संवेग स्वर में तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद देना कि ये माना पुरुष बलधारी है, ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती हमेशा नारी है। अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारिका दीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी भारी है। जमी पर पाँव ना हो फिर बुलंदी व्यर्थ है पाना, घरोंदा छोड़ मत देना सदा ही लौट कर आना, चुकाना कर्ज है मुश्किल जतन चाहे करो जितना, दिया है जन्म जिस माने उसे तुम भूल मत जाना, दिया है जन्म जिस माने उसे तुम भूल मत जाना। एक कविता आपने सब चीजों पर वाह वाह क्या बात में देखी होगी, एक छोटी सी 2 मिनट की कविता और सुना तो तालियां बजा कर बताओ। सब टीवी पर जो बाबा क्या बात में आपने सुनी होगी, कविता का ये है कि जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में मुझे साइंस की लड़की से प्यार हो गया। आर्ट्स का विद्यार्थी कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार करता है और साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डायल्यूट किया, एक छोटी सी कविता आर्ट्स का प्यार का इजहार। कि ये सबसे सुंदरी दिल की रानी सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर जा रही क्यों दिल से दूर, तू मेरी है प्रेम दीवानी मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आ जा मुझको अपने नैनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी ओ मेरी सखा इसी का स्वाद अब तक न चखा है, मृग नयनी शाम की राधा बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरह फैला है, तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए, साइंस की लड़की का जवाब सुनना, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में ले लीजिए बहुत अच्छा, या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हैं, दिल्ली या आमाशय में रहने का
चार घड़ी दे रू भगवान सब ने ढील उबो हूँ देखे पढ़िया पाड़े तो मैं आगे जाऊ जी भैया आमाशय में रहने का प्रयास कर कीजिए, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहाँ दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए, तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दे, क्या बात, अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे, आप जानते हो आप चित्तौड़ के रहने वाले हो, मैं जाति से गुजर हूँ कि गुजर कौम नहीं होती, घर जग में गाय नहीं होती, अरे राणा प्रताप कहाँ होते घर पन्ना धाय नहीं होती, राणा प्रताप कहाँ होते घर पन्ना धाय नहीं होती। वाह भाई वाह वाह भाई। तो लड़की ने जब कहा माइट्रोकॉन्ड्रिया में रह लीजिए, मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा बिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूँ तो साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब उस संस्कारवान लड़की का जवाब सुनना, यदि मैं ढंग की कविता करके बैठूं तो आप मुझे तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। वो बोली अबे बिन पेंदे के लोटे, मरी हुई भैंस के सड़े हुए फोटे, DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, न गधे में न घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के झुलपों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है, दे रही हूँ सीख समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर, मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है